वैसे ये लड़की सारा दिन लड़ती है अपने मामू के साथ। कितने जल गई। मेरा भाई गया हुआ था बाबा बालकनाथ जी के, और वहाँ से आते हुए ऋषिका के लिए प्यारी सी डॉल और गोविंद के लिए एक प्यारा सा बाइक लेके आया, और वहाँ से ढेर सारा रोड पर प्रसाद लेके आया जो मुझे बहुत पसंद है। The next day. नेक्स्ट डे कल भाई के घर आने के बाद मैंने आगे व्लॉग नहीं किया, तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ दाल। दाल को तड़का लग गया है और दाल जो है मैं बना रही हूँ ये मूंगी मोट और चने, ये तीनों की दाल को मिक्स करके ये बना रही हूँ। साथ में मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और ना एक आजकल नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मम्मी ना इंस्टाग्राम से कुछ ना कुछ नया देखते रहते हैं और बस उसी को बनाने की ट्राई कर रहे हैं। लाइट नहीं थी इसलिए मम्मी ने आलू को ना वो ग्रेट कर दिया। उन्होंने इसमें दिखाया था कि मिक्सी में डाल के अच्छे से ना इसका पेस्ट बनाना है, लाइट नहीं थी तो मम्मी ने ग्रेट कर दिया, लेकिन अभी लाइट आ गई है तो अभी ना मम्मी इसको मिक्सी लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। घर पे इनो नहीं थी इसमें, इन्होंने इनो भी बताई थी, मतलब बहुत ईजी सी रेसिपी है। आलू हो गई, दही, सूजी और इनो, ये तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके उसका कुछ ना आलू टिक्की टाइप कुछ डिफरेंट सा बनाना है, बस वो मम्मी वही ट्राई कर रहे हैं। और इनो लेने के लिए गए हैं, जैसे इनो लेके आते हैं ना तो तीसरा बर्नर उसके लिए यूज़ होगा, इसलिए अभी मैंने चावल नहीं चढ़ाए हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, कैसा टेस्ट, मतलब कैसा टेस्ट आता है। वैसे हो तो आलू टिक्की जैसी, लेकिन फिर भी चलो मम्मी को आजकल शौक है कि कुछ मैं नया ट्राई करूँ दाल सब्जी को छोड़ के। तो जब बनाऊँगी ना तब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसा बनता है। और आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों को जो इससे पहले मैंने ऋषिका का प्रोजेक्ट बनाया था वो कैसा लगा, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर किया करो। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, चाहे सिंपल सा कोई भी, अगर आपको बुरा लगे अच्छा लगे जैसा भी लगता है ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो के नीचे। जैसे लाइट आई ना मम्मी ने सारी सामान डाल के मिक्सी चलाई और साथ के साथ लाइट फिर से चली गई। मेरे को था कि जब तक लाइट आए तब तक मैं बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँ, और जैसे ही मैं बर्तन साफ़ करके फ्री हुई साथ के साथ ही लाइट आ गई और हमने अपना काम चालू किया। एक तरह से ना ये टिक्की का हेल्दी वर्जन है, जैसे टिक्की को डीप फ्राई किया जाता है लेकिन इसको शैलो फ्राई किया गया है तवे पे हल्का सा तेल डाल के। और दूसरा टिक्की में डलता है मैदा, लेकिन इसमें है बेसन सूजी, ये दोनों चीज़ें डाल के। और टेस्ट में अभी हम करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। सॉस पिया ऋषिका, टेस्ट करके बताओ नानी मम्मा ने कैसा बनाया। थोड़ा पीछे रखो, चलो सॉस कम लेना। अच्छा है, अच्छा है सच में। चलो सॉस के साथ अच्छा ही होता है। सॉस के साथ क्या होता है? सॉस के साथ अच्छा ही होता है, और पीठ पूजा करते हैं। चलो अब मैं टेस्ट करती हूँ, ऑब्वियसली टेस्ट तो अच्छा होगा क्योंकि मम्मी ने बनाया, और मम्मी के हाथ का टेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होता। तो चलो इससे पहले ही ठंडा हो जाए हम इसको टेस्ट करते हैं, खा के देखते हैं। हम भी खा के देखते हैं। ऋषि का भी खा रही है। अपन टेस्ट करते हैं।
अच्छा बना है। मैं खाना बना रही थी और मेरे को स्पेशल बुला के लेके आई है कि मम्मा इधर आओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इसने ना मेरे से सारी नेल पेंट्स ले ली मेरी, और ये देखो आज इसको मैं 6 की प्रैक्टिस करवा रही थी और मेरी नेल पेंट्स के साथ ऋषिका ने आज बनाया 6 बनाया 6। अगर आप इस तरफ से देखोगे तो ये बन जाएगा 9, अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे तो ये बन जाएगा 6।